हाय गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है नाजिया और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन ब्यूटी हॉल। तो गाइस, आज ना आप लोगों को इस हॉल वीडियो में बहुत ही अच्छे अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के हैं। तो चलो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं ना आज बास्केट लेके नहीं बैठी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को यूं ऐसे करके प्रोडक्ट्स नहीं दिखा सकती हूँ। कुछ दिखा देती हूँ तो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने अपने टेबल पे ही सारे प्रोडक्ट्स रख लिए हैं। तो पहले स्किन केयर दिखा देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन केयर मैंने नहीं मंगवाया है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था पॉन्ड्स का ट्रिपल विटामिन सिल्की स्मूथ मॉइस्चराइजिंग लोशन, एंड ये छोटा वाला ही पैक मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि कहीं आओ जाओ तो मैं इसको अपने हैंडबैग में रख लेती हूँ। तो बहुत कन्वीनियंट होता है क्योंकि अभी जैसे विंटर स्टार्ट हो रहा है ना, तो हैंड्स काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही अच्छी लगती है एंड इसका फॉर्मूला भी मुझे ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो काफ़ी थिक मॉइस्चराइज़र है ये, बिल्कुल रनी कंसिस्टेंसी का नहीं है, बिल्कुल एज अ क्रीम टाइप इससे निकलता है और बहुत ही अच्छी मुझे इसकी फ्रेग्रेंस लगती है। बचपन से हम इसको लगाते आ रहे हैं तो मेरे को बिल्कुल मेरा स्कूल टाइम याद आ जाता है। वाह, तो ये छोटा ही मैंने बाय किया था एंड काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन को नरिश करने में हेल्प करता है। एंड इसमें विटामिन B3E and C भी है एंड इसकी प्राइस 100 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है गाइस, एंड 87 rupees लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैंने डिस्काउंटेड प्राइस में अमेजोन से बाय किया था। तो सारे प्रोडक्ट की जो बाय लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बाय किया है वॉर स्किन साइंस का हार्ड वाटर डिफेंस शैम्पू। और आप लोगों को पता होगा कि वॉर स्किन साइंस के जो भी प्रोडक्ट हैं इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल लाइक नो पैराबिन, नो सिलिकॉन एंड सल्फेट एंड ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और ये 100% इसमें लिखा हुआ है मेड विथ 100% नेचुरल एक्टिवेट्स एंड ये हार्ड वाटर डिफेंस, क्योंकि आजकल पता है आप लोगों को कि जो हम लोगों के घर पे पानी आता है उसमें क्लोरीन एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्यूरीफाई करने के लिए बेसिकली किया जाता है कि पानी क्लीन हो जाए, तो ये उससे आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो अभी इसको मुझे कुछ ही टाइम हुआ है यूज़ करते हुए, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी अच्छे से लेदर होता है और आपके बालों को क्लीन भी कर देता है एंड बाल मतलब इसको यूज़ करने के बाद काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट फील होते हैं। तो कहीं अगर आप कोई इंडिया में कहीं अगर आप लोगों की तरफ अगर ऐसी परेशानी होती है कि वाटर जो है काफ़ी हार्ड आता है, तो आप लोग इस टाइप का शैम्पू ट्राई कर सकते हैं। एंड इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो है 300 ml। एंड अच्छा गाइज, इसमें pH बैलेंस्ड भी है तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे ये अच्छी बात लगी। तो डेफिनेटली अगर आप इस टाइप का कोई शैम्पू ट्राई करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। ओके गाइज, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं बार बार ओके एंड डेफिनेटली बोलती हूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक बहाव में होते हैं बात करने के तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रहता है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो प्लीज़ बियर विथ मी और माइंड मत कीजिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आइटम है मेरे पास और ये मैंने अपने बेबी के लिए बाय किया और ये है जॉनसन्स बेबी का बेबी लोशन और इस पर लिखा हुआ है बेबी सॉफ्ट स्किन ऑल डे लॉन्ग एंड ये 500 ml क्वांटिटी का मैंने बाय किया है। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को पता है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे बेबी के लिए ये यूज़ हो जाएगा एंड इसको मैं 2-3 दिनों से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आए हुए 2-3 days हो चुके हैं। तो एंड गाइज, ये ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ना बहुत ही कम क्वांटिटी में पूरी बॉडी में ये अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड हो जाता है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। तो मुझे अच्छा लगा और मतलब रिग्रेट नहीं कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी, क्योंकि 500 ml बड़ी वाली ही बाय की थी। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब भी मैं अपने बेबी को ये लगाती हूँ ना, तो डेफिनेटली उसको दबाता ही दबाता है। तो इस तरीके से ये आप देखोगे ना, इधर क्लोज हो जाता है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि आपका बेबी इससे खेल रहा है या दबा रहा है तो निकल जाएगा, ये लॉक हो जाता है और इस तरीके से खुल जाता है, क्योंकि अभी मेरा बेबी छोटा है तो उसको इतनी समझ नहीं है कि इधर करेंगे तो ओपन हो जाएगा, इधर करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बॉटल है काफ़ी अच्छी सी और इसकी फ्रेग्रेंस भी बिल्कुल माइल्ड है, बॉदर नहीं करती है। तो अगर आप अपने बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। ओके गाइस, तो अब बढ़ते हैं मेकअप आइटम्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बाय किया है मैट लुक का अंडर कवर 24 आवर्स फुल कवरेज मैट फाउंडेशन और ये ऑयल कंट्रोल इसमें मेंशन है एंड 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो काफ़ी क्लासी पैकेजिंग है इसकी एंड इसमें मैंने शेड बाय किया है 02 क्लासिक आइवरी। इसको ओपन कर लेते हैं, ये ओपन नहीं हो रहा है।
तो गाइज ये ना इस तरीके से कुछ ग्लास बॉटल में आता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसकी ना पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी अच्छी सी इस तरीके से कैप है इसकी और पंप पैकेजिंग है इतने अफोर्डेबल प्राइस में। आई गेस इसको मैंने 160-180 इसके आसपास ही इतने ही प्राइस में मैंने बाय किया था। एंड इसका कवरेज OMG, मतलब डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई करना चाहिए, बिल्कुल भी आप लोग रिग्रेट नहीं करोगे इतने कम प्राइस में। मतलब इस फाउंडेशन को अगर मैं किसी से कंपेयर करूँ तो मैं मेबलिन के फिट मी फाउंडेशन से लिटरली कंपेयर कर सकती हूँ, इतना अमेजिंग फाउंडेशन मुझे लगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका स्वाच दिखाती हूँ। एंड शायद अगर कोई ड्राई स्किन वाले भी होंगे या नॉर्मल स्किन वाले भी होंगे तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो अब मॉइस्चराइज़र एंड अपनी स्किन को प्रेप करके। यार ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ज़्यादा नहीं निकल जाए, देखो ज़्यादा ही निकल गया। तो गाइज मैं यहाँ पे ना आप लोगों को ये तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, क्या हटाऊँ, चलो ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ओ माई गॉड, तो गाइज मैं ना एक बार थोड़ा सा यहाँ छोड़ रही हूँ कि आप लोगों को ना कवरेज कंपेयर्स कर सकूँ। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ना ये ऑक्सीडाइज भी नहीं करता है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में आप क्या ही बाय करने जाओगे बताओ। बहुत ही कम ऑक्सीडाइज करता है, बहुत ही कम, मतलब वाओ। ये देखो गाइस काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब ये ज़्यादा निकल गया था इसलिए आप लोगों को इतना वाइट दिख रहा है। इसके कवरेज की क्या ही तारीफ़ करूँ मैं, बहुत ही सुपर फुल कवरेज फाउंडेशन है। अगर मैं इसको मेबलिन से कंपेयर कर रही हूँ तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये कितना अमेजिंग फाउंडेशन है इतने अफोर्डेबल प्राइस में। तो डेफिनेटली आप लोग अगर कोई अफोर्डेबल साइड अच्छा फाउंडेशन ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इसके लिए तो थम्स अप है गाइज। ओके तो अब बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट आइटम की तरफ, इसको साइड में कर देते हैं। ओके तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बाय किया है इनसाइड का मेकअप एसेंशियल SD फिनिशिंग लूज पाउडर। एंड जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाइज मेरी पिछली कोई वीडियो में कि मैंने वहाँ पे अपने लिए बाय किया था लूज पाउडर, एंड ये मैंने अपने एक किसी स्टाफ के लिए बाय किया है। एंड इसमें जो मेरा शेड है ना वो गलत आ गया था, इसमें शेड मैंने आइवरी ऑर्डर किया था एंड इसमें हनी आ गया था। तो शायद सेटिंग करेंगे, मतलब थोड़े से हाई कवरेज फाउंडेशन के साथ तो सेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। आज खुल क्यों नहीं रहा मुझसे प्रोडक्ट्स। ओके आ जा, तो ये है गाइज इस तरीके से पैकेजिंग है इसकी, कुछ आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि इनसाइट हो गया, मैट लुक्स हो गया, मुझे इनके प्रोडक्ट्स ना आजकल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मार्स हो गया। तो ये देखो गाइज इस तरीके से है। एंड आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ जो इन्होंने इम्प्रूव किया, जो मैंने बाय किया था उस टाइम पे जो इनका स्पॉन्ज था ना वो बिल्कुल बेकार क्वालिटी का था, इस बार उन्होंने इम्प्रूव करा है तो ये अच्छी क्वालिटी का है, मतलब आप इससे अच्छे तरीके से अपने मेकअप को सेट कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर ये अभी लॉक है, तो मैं ये किसी को देना है इसलिए मैं आप लोगों को इसको खोल के इसका शेड दिखा देती हूँ। एक मिनट, ओके तो ये इस तरीके से खुल गया है और मुझे लगता है कि ये सेट होने के बाद चला जाएगा। देखो कि थोड़ा सा डार्क है इस तरीके से, लेकिन गाइस ये बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप कोई लूज पाउडर ट्राई कर रहे हो तो हनी जो शेड है ना ये थोड़ा सा वीटिस्ट कॉम्प्लेक्शन वालों को जाएगा जो येलो अंडरटोन में है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैट फिनिश है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मेकअप को लॉक कर देगा। एंड इसको अप्लाई करने के बाद ना बिल्कुल स्मूथ सा फील हो रहा है एंड क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो आप। तो गाइस 30 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है एंड 125 रुपीज़ इसमें लिखा हुआ है, एंड इसको और ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने बाय किया था। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लास्ट में दिखा देती हूँ। ओके फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बाय किया शुगर का कॉम्पैक्ट, और ये है, ये क्या था, तो ये है शुगर का ड्रीम कवर SPF 15 मैटिफाइंग कॉम्पैक्ट, और इसमें मेरा शेड है 30 चोको चीनो। तो गाइज ये मुझे ना फॉर्मूला इसका ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा, मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से कॉम्पैक्ट आता है एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, इस तरीके से ओपन होता है एंड इस साइड आप लोगों को मिरर मिल जाएगा, इधर कॉम्पैक्ट है एंड यहाँ पे है
बहुत ही अच्छा वाला अच्छी क्वालिटी का स्पॉन्ज एंड ये मुझे बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही अमेजिंग लगा। अभी मैं इसको ही सारे कॉम्पैक्ट के लिए एंड लूज पाउडर के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो गाइज ये है शेड चोकोचिनो जो कि मेरी स्किन टाइप से ना थोड़ा सा डीप शेड आ गया है एंड काफ़ी पिगमेंटेड एंड स्मूथ है जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छे तरीके से ना आपकी स्किन पे सेट हो जाता है। तो इसे ना मुझे अपने शेड का मंगाना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। आई थिंक कैमरे में ना इतने अच्छे से पता नहीं चल पाएगा, देख रहे हो गाइस मेरी स्किन टोन से दो शेड डार्क है, लेकिन ठीक है अभी तो क्या करेंगे, किसी को दे देंगे या तो फिर देखते हैं मिक्स मैच करके अगर यूज़ कर लूँ तो। क्योंकि ये कॉम्पैक्ट का फॉर्मूला मुझे बहुत ही अच्छा लगा है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से सेट होता है और पैकेजिंग बहुत अच्छी, काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके साथ ट्रैवल कर सकते हो, बिल्कुल ईजी टू कैरी है। लाइक इसमें आप लोगों को मिरर मिल गया एंड सब कुछ। एंड इसकी प्राइस थी यहाँ पे मेंशन है 499 रुपीज़, लेकिन इसमें भी कुछ डिस्काउंट था, मैंने इसको डिस्काउंटेड प्राइस में बाय किया है। तो ये था मेरा नेक्स्ट आइटम। ओके फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बाय किया है L18 का आई ड्रामा बोल्ड ब्लैक काजल और इसमें लिखा हुआ है लास्ट और डे स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ काजल। एंड गाइज इसको मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसको मैं देने वाली हूँ किसी को, मतलब मेरे स्टाफ में किसी को देने वाली हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गया था, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 140 रुपीज़ लिखा है, 90 रुपीज़ में आई गेस ये मुझे मिल गया था। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है एंड काफ़ी ब्लैक काजल है ये, तो जैसे कि हमारे और भी काजल होते हैं बिल्कुल वैसे ही है। इसका फॉर्मूला भी बहुत अच्छा, काफ़ी स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। अगर आप बोलोगे तो और किसी वीडियो में इसका अलग से मैं रिव्यू कर दूंगी। और ओवरऑल इसकी जो क्वांटिटी है जो हम लोगों को सब में मिलती है 0.35 ग्राम, तो सेम वैसा ही है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो इसे ले सकते हो। ओके तो अब यहाँ पे मैंने बाय की है 3 लिपस्टिक्स जो कि अफोर्डेबल भी है और अच्छी अच्छी हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। 3 लिपस्टिक है यहाँ पे गाइज। तो सबसे पहले मैं ये ओपन कर लेती हूँ मतलब आप लोगों को ये दिखाती हूँ। और ये है इनसाइड के मैट लिपस्टिक और कुछ कहीं पे यस शेड है A15 रॉकस्टार रेड। एंड गाइज इसके साथ ना एक हिट हो गई थी, ये बिल्कुल ब्रोकन आई थी मेरे पास, देखो ये कहीं चिपकी ना हो, इसी हशर में आई थी ये टूटी फूटी। तो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे अगर काम चल जाएगा। इसका जो शेड है ना मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, बिल्कुल रॉकस्टार रेड, मतलब ब्लू अंडरटोन वाला रेड लिपस्टिक है, काफ़ी पिगमेंटेड है। एंड गाइज बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आई गेस इसको मैंने अंडर ₹100 ही बाय किया था, जैसे कि आप देख सकते हो ना काफ़ी पिगमेंटेड है और बहुत ही ईजिली ग्लाइड हो जाती है, काफ़ी अच्छे तरीके से ना सेट हो जाती है आपके लिप्स पे, ट्रांसफ़र तो करती है क्योंकि आप इतने कम प्राइस में क्या ही एक्सपेक्ट करोगे, तो ट्रांसफ़र प्रूफ है। लेकिन जिस तरीके से विंटर आ रहा है ना तो हम लोग चाहते हैं ना कि थोड़ा सा कंफर्टेबल लिपस्टिक हो, थोड़ा सा मॉइस्चर वाली लिपस्टिक हो। इसमें काफ़ी अच्छा शेड रेंज भी है तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और मुझे पता नहीं है आज दिवाली नहीं है और इतने सारे पटाखे क्यों फूट रहे हैं, आई रियली डोंट नो। तो गाइज प्लीज डोंट माइंड क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ इसमें। फिर यहाँ पे नेक्स्ट मैंने बाय किया एक और इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिप कलर और इसमें लिखा है वाटर प्रूफ स्मच प्रूफ लॉन्ग वेयर मैट टेक्सचर एंड ट्रू कलर। एंड इसमें जो शेड मैंने बाय किया है 07 सैटिन रोज, ये भी रोज था ना कुछ, रॉक स्टार रेड। ओके तो मिलता जुलता ही कलर ये मैंने बाय किया, ये भी मैंने अपने स्टाफ को किसी को देने के लिए बाय किया गाइज। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, आप देख सकते हो इस तरीके से जैसे कि और लिपस्टिक हमारी आती है मतलब उस टाइप की ही है, यहाँ पे इनसाइड लिखा हुआ है। एंड इसका फॉर्मूला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन थोड़ी सी ड्राई करती है ना तो ठीक है, काफ़ी मिलता जुलता शेड है ना, ये थोड़ा सा पिंकिश अंडरटोन में है जैसे कि आप देख सकते हो, डीप बिल्कुल डीप वाला पिंक, तो फ्रूशिया पिंक शेड दिख रहा है एंड बॉटल में कुछ और ही दिख रहा है। वाओ हाँ गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है जैसे कि आप देख सकते हो ना। एंड अभी मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ थोड़ा सा ड्राई होने के बाद। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने इसको बाय किया था, इसकी भी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। प्राइस ओके तो 90 रुपीज़ है, ये तो मुझे खुद को नहीं पता था 90 रुपीज़ की है।
ओके गाइस, तो 90 रुपीज़ की है, पैराबिन फ्री है, 100% वेज। ओके ग्रेट यार, ग्रेट इनसाइट, गुड। मानना पड़ेगा गाइस, तो ये बिल्कुल पैराबिन फ्री लिपस्टिक है एंड 90 रुपीज़ की है, विच इज़ ग्रेट थिंग। मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी एंड इतना अच्छा शेड, एंड इसमें भी शेड रेंट बहुत अच्छा था, तो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ये जब तक ड्राई हो रही है तो मैं अपनी इस हॉल की लास्ट वाली लिपस्टिक दिखा देती हूँ, जिसकी आउट ऑफ पैकेजिंग अभी मुझसे कहीं इधर उधर हो गई है। तो ये है शुगर की मैट अटैक लिपस्टिक, और ये है ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक, और इसमें शेड है मेरा 07 पीच वुड मैक, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड लिपस्टिक है गाइज। इस तरीके से आती है एंड आप देख सकते हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉविश न्यूड कलर है, और इसका शेड मुझे बहुत ही प्यारा लगा हुआ। ये देखो गाइज, ये शेड है इसका, एंड ये भी ना थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगी, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं करती है, एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड ये मेरी करेंट फेवरेट है, तो डेफिनेटली इस पर एक दो शेड मैं और भी मंगाऊंगी। तो ये शेड जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो ये दो लिपस्टिक जो ट्रांसफ़र प्रूफ हैं, मैं आप लोगों को 2 मिनट बाद दिखाती हूँ, जब तक ये सेट हो जाती है। ओके गाइज, तो आई एम बैक एंड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये बिल्कुल भी स्मज नहीं कर रही है, जैसे कि एग्जाम्पल में ये पूरी स्मज कर गई है, तो ये बिल्कुल भी स्मज नहीं कर रही है, बहुत ही अमेजिंग लगी। एंड ये वाली भी स्मज नहीं करती है, जो मैंने शुगर वाली बाय की है, तो आप लोग देख ही सकते हो। तो थोड़ा सा ऑयली फूड खाते हो ना, तो थोड़ी बहुत आप लोगों को टचअप करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑयली फूड से ना थोड़ी सी जो मैट लिपस्टिक है वो भी निकलने लगती है। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड सारे प्रोडक्ट की जो बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ पे आप लोग जाओगे ना तो माय हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को दिख सकते हैं, और वहीं से आप लोग डायरेक्टली बाय भी कर सकते हो। फिर मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय।